हेलो एवरीवन। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, 2D एरे का ही है, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई टैब के बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वाले प्रॉब्लम का नाम कुछ स्पाइरल प्रिंट होता है, स्पाइरल, एक सेकंड। स्पाइरल प्रिंट और क्लॉकवाइज स्पाइरल प्रिंट, क्लॉकवाइज स्पाइरल प्रिंट, कुछ प्रॉब्लम का नाम इस तरीके से होता है। क्लॉकवाइज स्पाइरल प्रिंट का मतलब है कि कुछ हमें इस तरीके से प्रिंट करवाना है। हमें प्रिंट करवाना है पहले 11, तो जो इनपुट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, इनपुट, और जो आउटपुट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले हमें 11 प्रिंट करवाना है, फिर 12, फिर 13, फिर 14, सेकंड, फिर 14, और फिर उसके बाद हमें इस तरीके से, अब की बार हमें नीचे जाना है, हमें कुछ इस तरीके से। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, 24, 34 एंड 44। फिर उसके बाद हमें यहाँ से इस साइड जाना है, तो हमें क्या प्रिंट करवाना होगा, 44 के बाद, 44 के बाद 43, 42, 41। अब 41 के बाद हमें फिर ऊपर जाना है यहाँ तक, तो हमें प्रिंट करवाना होगा 31, 21। फिर उसके बाद हमें जाना है कुछ इस तरीके से, तो फिर उसके बाद हमें 22, 23, और उसके बाद हमें 33, फिर उसके बाद हमें एक लास्ट बची है जो 32, यहाँ से इस तरीके से। तो हमें प्रिंट जो इनपुट रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, और जो आउटपुट रहेगा कुछ इस तरीके से आना चाहिए आउटपुट। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो वही चीज़ फिर से हमें क्या करना होगा, चार वेरिएबल मेंटेन करके चलना होगा, चार वेरिएबल। पहला पहला जो वेरिएबल होगा, पहले तो हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, जिसको हम मान लेते हैं एम और एन, एम और एन मान लेते हैं। नंबर ऑफ रोज जो है अपने पास, नंबर ऑफ रोज वो मान लेते हैं एम है, और नंबर ऑफ कॉलम्स मान लेते हैं वो एन है। तो हमने रोज और कॉलम्स को भी इनिशियलाइज करना है इन सबको। तो सबसे पहली बात कि हमने रो और कॉलम तो मान ही लिया, लेकिन हमें इसके साथ ही चार हमें वेरिएबल मेंटेन करके चलना होता है। हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी देखा था। तो एक में मान लेता हूँ स्टार्टिंग रो, और एक वेरिएबल में मान लेता हूँ एंडिंग रो, जो कि ई आर से दिखा रहा हूँ, और स्टार्टिंग रो को एस आर से दिखा रहा हूँ। सेम वैसे ही एक एंडिंग कॉलम, स्टार्टिंग कॉलम एस सी, और एक वैसे ही एक एंडिंग कॉलम ई सी। तो हमारे पास चार वेरिएबल होगा, एस आर, ई आर, एस सी और ई सी। तो एस आर क्या है, स्टार्टिंग रो, ये ई आर है एंडिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम एस सी और ई सी एंडिंग कॉलम। तो अब हम करेंगे कैसे, देखो हमें क्या करना है, हमें जो ये वाला इस रो की बात करें, तो इस रो में हमें सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं। तो इस रो में अगर सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, तो रो की वैल्यू सेम रखते हैं और कॉलम चेंज हो रहा है, यहाँ पर एस सी से लेकर ई सी तक जा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, जो अप्रोच होगा उसको एक बार देख लेते हैं, तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बार फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ उसी क्वेश्चन को। तो ये रहा अपने पास क्वेश्चन, और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ये रहा अपने पास प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का। तो अब अप्रोच क्या रहेगी कि हम क्या करते हैं कि इसमें अगर इस लाइन को प्रिंट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल 2D एरर लूंगा और एस आर की वैल्यू, स्टार्टिंग रो की वैल्यू सेम रखूंगा, और जो ये कॉलम चेंज हो रहा है तो एक लूप चला लूंगा, जो कि कहां से कहां तक, एक आई लूप चला लूंगा, फोर लूप लगा के, जो कि कहां से कहां तक चलेगा, आई जो होगा स्टार्टिंग कॉलम से लेके एंडिंग कॉलम तक चलेगा, एंडिंग कॉलम तक, और आई प्लस प्लस इस तरीके से चलेगा। और फिर मैं ये सारे जो भी नंबर हैं, जो भी ये एलिमेंट्स हैं, उन सबको प्रिंट कर देगा। अब बात आती है यहाँ, ये तो समझ में आता है पहला वाला, क्योंकि हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में ये कर लिया था। अब बात आती है कि अब हमें ये प्रिंट करना है, तो अब हमें किस तरीके से प्रिंट करना होगा। तो अब देखो जो एंडिंग कॉलम है वो सेम रहेगा, एंडिंग कॉलम जो है वो सेम है आपकी बात, लेकिन स्टार्टिंग रो अब हमारे लिए चेंज हो गई है, स्टार्टिंग रो बन गया है ये, तो स्टार्टिंग रो, तो फिर से एक लूप लगाएंगे। पहले तो क्या कर देंगे, अब इसके बाद 4 के बाद स्टार्टिंग रो को इंक्रीज कर देंगे। हमने स्टार्टिंग रो को इंक्रीज कर दिया, तो स्टार्टिंग रो की वैल्यू अब 2 हो गई,
स्टार्टिंग रो की वैल्यू 2 हो गई, तो अब हम स्टार्टिंग रो से कहां कहां तक प्रिंट करवाना है, एंडिंग रो तक, और कॉलम अपने लिए सेम रहेगा एंडिंग कॉलम। तो एक जे वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जो कि कहां से कहां तक एंडिंग एंडिंग सॉरी ये स्टार्टिंग रो से एसआर से लेके कहां तक जाएगा, जे जो होगा लेस देन और इक्वल टू कहां तक, एंडिंग रो तक, और एस जे प्लस प्लस सॉरी। और फिर हम क्या कर देंगे, ए ऑफ अब की बार एंडिंग कॉलम की वैल्यू सेम रहेगी और आई पहले जे होगा और फिर सॉरी जे और फिर एंडिंग कॉलम की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस तरीके से हम ये सारे एलिमेंट्स भी प्रिंट कर लेंगे। और नीचे चलते थोड़ा सा, अब हमें क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग रो की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे कि यहां से देखते हैं, तो यहां तक हो गया अपने लिए, हमने ये प्रिंट कर दिया। एक बार ऊपर चलते थोड़ा सा और यहाँ पर, अब हमने ये भी रो प्रिंट कर, ये कॉलम भी प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये रो प्रिंट करना है, ये रो। तो ये रो प्रिंट करने के लिए अब जो एंडिंग कॉलम था अपने पास, जो एंडिंग कॉलम तो ये तो हमने प्रिंट कर दिया 44 तक। अब हमें यहां से प्रिंट करना है, यहां से लेके यहां तक प्रिंट करना है। मैं फिर से एक बार रेड पेन लेता हूं, हमें कहां से कहां तक प्रिंट करना है, यहां से लेके यहां तक प्रिंट करना है। तो अपने लिए एंडिंग कॉलम की वैल्यू अब कम हो जाएगी, तो एंडिंग कॉलम की वैल्यू अब हम डिक्रीज कर देंगे, जो एंडिंग कॉलम होगा उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। इसके बाद ये करने के बाद हम क्या करेंगे, एंडिंग कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। तो अब हमारे लिए एंडिंग कॉलम की वैल्यू क्या हो गई, अब हमारे लिए एंडिंग कॉलम यहां से हो गया, मतलब ये वाला अब एंडिंग कॉलम हो गया। अब हमें एंडिंग कॉलम से लेके कहां तक प्रिंट करवाना है, स्टार्टिंग कॉलम तक एससी तक, ईसी से लेके एससी तक प्रिंट करवाना है। हमें कहां से कहां तक प्रिंट करवाना है, और एक के ले लेते हैं जो कि ईसी से लेके जे होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कहां तक, एससी तक, और जे प्लस प्लस के प्लस प्लस सॉरी ये के है, हमने के वेरिएबल माना है और ये भी के प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, एक एरे लेंगे जो कि कहां से कहां तक प्रिंट करेगा, जो प्रिंट करेगा जो अपने लिए एंडिंग रो थी वो तो सेम ही रहेगी, और जो कॉलम रहेगा जो के है वो चेंज होता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हमारे लिए जो स्टार्टिंग रो की वैल्यू है, स्टार्टिंग रो अब हमारे लिए ये था, अगर देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देख लो हमने क्या किया है कि एंडिंग कॉलम से लेके स्टार्टिंग कॉलम तक प्रिंट किया है। अब हमने एंडिंग कॉलम से स्टार्टिंग कॉलम तक प्रिंट कर दिया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं या फिर रहन देते हैं, तो इसको एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अब हमने यहाँ जो जो चीजें प्रिंट कर दिया है वो चीज देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने इस वाले रो को प्रिंट कर दिया है, इस वाले कॉलम को भी प्रिंट कर दिया और यहां तक प्रिंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि अब हम यहां से ऊपर जाना है, अब हम यहां से ये वाली चीजें प्रिंट करनी है। तो ये वाली चीजें प्रिंट करने के लिए अगर ये वाली चीजें की बात करें कि अगर हमें ये प्रिंट करना है तो हमें कहां से कहां तक प्रिंट करना है। ये जो रो थी एंडिंग रो है ना, ये तो ये एंडिंग रो से अब एंडिंग रो को ये कर दो डिक्रीज करके, एक एंडिंग रो की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं और स्टार्टिंग कॉलम तक प्रिंट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग रो की वैल्यू हमने ये हमारे लिए ये हो गया था, स्टार्टिंग रो ये था, फिर हमने स्टार्टिंग रो की वैल्यू को इंक्रीज करके 2 कर दिया, तो स्टार्टिंग रो इसका मतलब ये हो गई 2। तो अब हमें एंडिंग रो से कहां तक प्रिंट करना है, स्टार्टिंग रो तक। तो सबसे पहले हमें पहले तो क्या करना होगा कि हमें यहां पर एंडिंग रो की वैल्यू को डिक्रीज करना होगा, एंडिंग रो की वैल्यू डिक्रीज हो गई। फिर उसके बाद हम कहां से कहां तक प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे एंडिंग रो से स्टार्टिंग रो तक। तो एक और ले लेते हैं एल, जो कि कहां से एंडिंग रो से कहां तक प्रिंट करेगा, स्टार्टिंग रो तक, और एल प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम ए और उसमें हो जाएगा एल और
जो अपने लिए वैल्यू जो कॉलम है वो कॉलम तो सेम ही है, मतलब एस सी वाली कॉलम स्टार्टिंग कॉलम अपने लिए सेम है। अब स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। कैसे, चेक करते हैं। अब यहां तक हमने प्रिंट कर दिया, तो अब स्टार्टिंग कॉलम तो ये था, लेकिन स्टार्टिंग कॉलम अब हमारे लिए ये हो जाएगा। अब यहां से लेके हमें यहां तक प्रिंट करना है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग कॉलम, और ये हो जाएगा एंडिंग कॉलम, जो कि हमने बना लिया था कि एंडिंग कॉलम एक डिक्रीज होकर यहां तक आ गया था, और यहां से ये स्टार्टिंग कॉलम भी हो गया। तो अब हमें ये चीजें प्रिंट करनी है, तो अब हम क्या कर देंगे, तो अब हम चार बार हमने कर दिया ना, तो अब ये चीजें जो है वो खुद अपने आप ही हो जाएगी। हम एक लूप लगा देते हैं, ये तब तक करेगा, एक सेकेंड, इसको यहां तक समझ में आ रहा होगा, ये हमने प्रिंट कर दिया। तो अब हम क्या कर देंगे कि स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू हो गई। और अब क्योंकि हमने कर दिया, तो ये जितने भी काम होंगे, ये सारे काम, अगर ये सारे काम की बात करें, तो ये तब तक होते रहेंगे जब तक कि स्टार्टिंग रो की वैल्यू ईआर के बराबर, एंडिंग रो के बराबर नहीं हो जाती, और स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू एंडिंग कॉलम के बराबर नहीं हो जाती। जब ये बराबर हो जाएगा, मतलब इस वाले पोजिशन पे अगर ये ऐसे प्रिंट करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस वाले पोजिशन पे क्या होगा कि स्टार्टिंग रो और स्टार्टिंग कॉलम की भी वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस ये कंडीशन लगाएंगे एंड एंड करके, ये दोनों इनका इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशंस मतलब ट्रू है, तभी ये मतलब तभी ये रुकना चाहिए, अदरवाइज ये चलते रहेगा। तो ये दोनों कंडीशंस को हम पहले एक लूप लगा लेंगे, व्हाइल लूप से यूज कर लेंगे, या फिर फोर लूप भी कर लेंगे, कोई भी कर सकते हैं यूज। तो ये तब तक होना चाहिए, और फिर हम इसके बाद एक और कंडीशन लगाते हुए चलेंगे कि क्या, इसके बाद हम देखेंगे कि एसआर की वैल्यू कहीं, इसके बाद भी हम चेक करेंगे कि इसके बाद चेक करेंगे कि इफ एसआर की वैल्यू, क्या पता एसआर की वैल्यू जो है, एसआर की वैल्यू वो ईआर से छोटी है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। इससे पहले, इस वाले से पहले एसआर की वैल्यू को हम देख लेंगे, फिर क्या करेंगे कि अगर छोटी छोटी हो जाएगी, तो फिर हमें तो बढ़ना ही नहीं है, हमें रिटर्न कर देना वहीं से। फिर यहां पर क्या करेंगे कि फिर से हम एक लूप लगाएंगे, ईसी की वैल्यू चेक करेंगे कि क्या ईसी की वैल्यू अभी भी एसआर से, एससी से बड़ी है या नहीं। तो इसके लिए एक बार और चेक कर लेंगे कि क्या ईसी की वैल्यू जो है वो एससी से बड़ी है कि नहीं है, और फिर यहां पर फिर से एक लूप लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या ईयर की वैल्यू अभी भी एससी एसआर से बड़ी है कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग की वैल्यू अभी बड़ी है कि नहीं, क्योंकि हम पीछे नहीं आ सकते। तो हम इसके बाद एक और लूप लगाएंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ एसआर की वैल्यू क्या अभी भी छोटी है या फिर ईआर के बराबर है, तो हम ये चीजें करेंगे, और सेम इसी तरीके से नीचे वाली चीजें भी, फिर ये तो हो ही जाएगा फिर इस तरीके से। तो ये चीजें हम करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो एक बार देखते हैं अपने प्रोग्राम में किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले तो वही होता है कि इसको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हेड फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड कर लिया, और इसके बाद नेम स्पेस एसटीडी, और एक से मेन भी, और इसमें अब हम क्या करेंगे, एक रो और एक कॉलम मानेंगे। तो जो एम है, मैंने एम को रो माना है, नंबर ऑफ रोज, और एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यूजर से पूछ लेंगे एम और एन की वैल्यू, तो ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे कि एक एरे लेंगे, जो भी एलिमेंट्स है तो उनके लिए एक एरे डिक्लेयर करेंगे, ए जिसका नाम रख देते हैं एम क्रॉस एन। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स है इस एरे में, उन सबका इनपुट लेंगे। तो उसके लिए दो लूप यूज होगा, एक फोर इंट आई, जो कि कॉल रो में आइटरेट करेगा एम तक, और आई प्लस प्लस इस तरीके से करेगा, और एक और फोर लूप चलेगा जिसमें हम एक जे वेरिएबल मान लेते हैं। जे जे कहाँ तक आइटरेट करेगा, कॉलम तक, तो एम तक, और जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हम इनपुट लेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ए ऑफ आई और जे। ठीक है, ये हमने सारे इनपुट्स ले लिए, जितने भी एलिमेंट्स थे उनका इनपुट ले लिया। अब हम वही चीज करेंगे कि हमें एक चार वेरिएबल मेंटेन करने, तो एक हम स्टार्टिंग रो लेते हैं जिसको जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया, और एक एंडिंग रो लेते हैं ईआर, जिसको हम एम माइनस वन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक हम और वेरिएबल करेंगे एससी स्टार्टिंग कॉलम, जिसको जीरो से इनिशियलाइज करवाएंगे, और एक ईसी लेंगे जो एंडिंग कॉलम, उसको हम एम माइनस वन से इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, अब हमने जो किया है एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं कि हमने किया क्या है। तो यहां पर देखो,
हमने क्या प्रिंट करवाना था, 11, 12, 13, 14, फिर उसका 24, 34, 44, इस तरीके से हमें प्रिंट करवाना था स्पाइरल टाइप में। तो हमारा जो पहला कंडीशन था कि ये पहले हम क्या करेंगे कि पहले हमें रो में जितने भी एलिमेंट्स थे फर्स्ट रो में उनमें उनमें उसमें आइट्रेट करना था फर्स्ट रो में, और कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर एंडिंग कॉलम तक। तो हम करते हैं सेम यहाँ पर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें ये कंडीशन लिखनी है कि चलो ठीक है पहले फोर लिखते हैं, फोर हमें कहाँ से कहाँ तक आइट्रेट करना है, एक इंटीजर आई ले लेते हैं जो कि जीरो से नहीं स्टार्टिंग कॉलम से लेके कहाँ तक जाएगा एंडिंग कॉलम तक, जो कि इक्वल टू भी होगा लेस देन और इक्वल टू ईसी एंडिंग कॉलम तक और आई प्लस प्लस। और इसके बाद हम सी आउट कर देंगे एरे में जो अपना रो वाला एलिमेंट है, मतलब कि जो रो है स्टार्टिंग रो एसआर की वैल्यू सेम एसआर वाली और आई की वैल्यू जो कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है इस तरीके से कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि एसआर की वैल्यू को अब इंक्रीज कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन यहाँ पर ला के चेक करेंगे कि क्या स्टार्टिंग रो की वैल्यू एफ एसआर की वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू एंडिंग रो के अभी भी छोटी है उसके बराबर है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम स्टॉप कर देंगे। तो अब हमें कहां से कहां तक प्रिंट करना है, अब हमें प्रिंट करना है, देखो अब हमें प्रिंट करना है स्टार्टिंग रो की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मतलब हम सेकंड रो में आ गए, सेकंड रो से लेके एंडिंग रो एंडिंग कॉलम तक एंडिंग रो तक हमें प्रिंट करना है। तो सेकंड रो से लेके एंडिंग रो तक, तो फोर एस एस सॉरी फोर एक वेरिएबल मान लेते हैं जे जो कि स्टार्टिंग रो से लेके कहां तक प्रिंट करेगा, जे इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग रो तक और जे प्लस प्लस और क्या होगा सी आउट कर देंगे एरे। और इसमें क्या रहेगा कि अपने लिए एंडिंग कॉलम तो सेम है, एंडिंग कॉलम सेम है, तो इसमें एक सेकेंड तो जे हो जाएगा पहले रो वाली वैल्यूज लिखते हैं और जो अपना एंडिंग कॉलम है वो सेम रहेगा, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, फिर जो एंडिंग कॉलम की वैल्यू थी एंडिंग कॉलम की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो एंडिंग कॉलम की वैल्यू को एंडिंग कॉलम की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज करेंगे एक, तो एंडिंग कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया हमने, ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार एंडिंग कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो देखो एंडिंग कॉलम अपने लिए ये था पूरा, ये एक ब्लू पेन लेते हैं, तो एंडिंग कॉलम अपने लिए ये था एंडिंग कॉलम। तो अगर एंडिंग कॉलम ये हमने प्रिंट करे तो अब हमें यहां से लेकर यहां तक प्रिंट करना है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगा तो मैं क्या कर देता हूँ कि एंडिंग कॉलम अब इसको मान लेता हूँ और स्टार्टिंग कॉलम तो ये है ही, तो अब मुझे एंडिंग कॉलम से लेके स्टार्टिंग कॉलम तक प्रिंट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे एक और कंडीशन चेक करनी होगी कि क्या अभी भी जो ये ईसी वाला है ईसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एससी है, स्टार्टिंग कॉलम से अभी बड़ा है, अगर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो उसके लिए फिर एक फोर लूप यूज करूंगा, एंट के ले लेता हूँ, के कहां से कहां तक होना चाहिए एंडिंग कॉलम से लेके कहां तक चलना चाहिए, के इज ग्रेटर देन स्टार्टिंग कॉलम। देखो हमें कहां से कहां तक प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है एंडिंग कॉलम से लेके स्टार्टिंग कॉलम तक, तो एंडिंग कॉलम से लेके स्टार्टिंग कॉलम तक हमें प्रिंट करना है और इज इक्वल टू, और इसके बाद क्या करना है हमें इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो के माइनस माइनस करेंगे, ठीक है और सी आउट कर देंगे ए ऑफ के रो की वैल्यूज चेंज हो रही है और कॉलम जो है अपना वो एंडिंग कॉलम ही है, तो इसी ठीक है हमने ठीक लिखा इस तरीके से। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा है या नहीं लिखा, तो एक बार देख लेते हैं कि अपने लिए क्या है कि स्टार्टिंग यहां से अब हमें क्या होगा कि सॉरी एंडिंग रो सेम रहेगा और कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक सेकेंड तो जो हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर स्टार्टिंग रो सेम मतलब एंडिंग रो सेम रहेगा और कॉलम चेंज होता रह रहा है, तो कॉलम की वैल्यू को थ्री लिख देते हैं। अब हम ये कब तक करेंगे, फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे लिए जो एंडिंग रो की वैल्यू थी एंडिंग रो वो उसकी वैल्यू अब डिक्रीज हो जाएगी, एंडिंग रो की वैल्यू को कम कर देंगे एक। फिर हम चेक करेंगे एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ एंडिंग रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्टिंग रो, तब हम क्या करेंगे फिर से हम प्रिंट करा देंगे क्या फोर एंट एल ले लेते हैं जो कि कहां से कहां तक प्रिंट होगा, एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर, तो वो कहां से कहां तक प्रिंट होगा, वो प्रिंट होगा
एंडिंग रो अब हमारे लिए यहाँ हो गई है और स्टार्टिंग रो ये हो गया। तो अब हम एंडिंग रो से स्टार्टिंग रो तक प्रिंट करेंगे, कॉलम सेम रहेगा अपने लिए। तो हमें क्या करना है, एंडिंग रो से लेके एल जो होगा ग्रेटर देन स्टार्टिंग रो, ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्टिंग रो और एल माइनस माइनस डिक्रीज होगा। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, सी आउट ए ऑफ जो अपने लिए रो रहेगा वो सेम रहेगा, रो क्या रहेगा, रो कह रहा हूँ कॉलम सेम रहेगा और रो चेंज हो रहा, तो एल रो वाले पहले और फिर कॉलम। तो कॉलम अपने लिए क्या है, स्टार्टिंग कॉलम वाला है, तो स्टार्टिंग कॉलम ठीक है। अब कुछ इस तरीके से होगा और क्या कर देंगे आप, स्टार्टिंग कॉलम की वैल्यू को डिक्रीज इंक्रीज कर देंगे, तो एस सी जो होगा आप प्लस प्लस हो जाएगा। और ये सारी जो कंडीशन है वो कब तक चलनी चाहिए, ये सब जो कंडीशन है वो कब तक चलना चाहिए, जब तक कि ये कंडीशन सही सेटिस्फाई नहीं हो जाती, व्हाइल एसआर इज लेस देन और इक्वल टू ईआर एंड एससी इज लेस देन ईसी। तो ये कंडीशन हमें सब पहले ही लिखना होगा, तो यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं कि व्हाइल एससी इज लेस देन और इक्वल टू ईसी एंड इंटरसेक्शन लेना है हमें दोनों का, मतलब दोनों कंडीशन अगर सही है तभी, और ईआर स्टार्टिंग रो इज लेस देन और इक्वल टू सॉरी स्टार्टिंग रो इज लेस देन और इक्वल टू स्टार्टिंग रो इज लेस देन और इक्वल टू एंडिंग रो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये चलना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं चलना चाहिए, ये रुक जाए और ये तब तक भी चल तब तक चलना चाहिए। अब हम क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो और ठीक है, इस तरीके से होगा, स्पेस देते हैं सबके बीच में, इसके बीच में भी ताकि समझ में आए, क्योंकि प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी फिर बाद में। ठीक है, इसके बीच में दे दिया हमने, अब इसके बीच में भी दे देते हैं और यहाँ पर भी हमें स्पेस देना है। ठीक है, अब हमारे लिए हो गया, तो अब हम इनपुट दे देते हैं, मान लेते हैं 4, एक बार रन करके चेक करते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है, अभी देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। एरर आ रहा है, हमने ये 27 लाइन में पहले इसके 27 27 अच्छा 27 क्या किया, 27 के 40 एसआर की वैल्यू फिर आई की वैल्यू, ठीक तो है, कुछ ये बोल रहा है हमने ब्रैकेट गलत यूज किया है, देख लेते हैं कहां पर हमने ब्रैकेट गलत यूज किया है। ठीक है, ब्रैकेट ठीक है, और चेक करते हैं फिर से रन करके। दिस बिफोर दिस एंड ठीक है, अच्छा तो हमने नहीं, ठीक है हमें अभी तो ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमने ये गलत किया है कि हमने एरे को नहीं डिक्लेयर किया, ए ऑफ एस आर वो करना था ना हमें, जो एक एरे है उसका रो और कॉलम डिक्लेयर हमें प्रिंट करना था। ठीक है, बाकी सब ठीक है, तो अब ठीक होगा। अब कहाँ एरर है कि int k इज इक्वल टू ई सी, के इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एस सी, तो इसमें क्या एरर आ रहा है, अच्छा हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू पर करना था, हमने थोड़ा सा एरर कर दिया था वहां पर। अब ठीक है, हमारा प्रोग्राम एक बार रन करके चेक करते हैं। 4x4 का मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं, मान के चलो 4 के बाद नीचे 5 6 7 8 फिर 9 8 7 6 और फिर उसके बाद 4 5 6 और 7। ठीक है, अब रन करके चेक करते हैं क्या सही आ रहा है कि नहीं, तो देखते हैं हमने कहां से कहां तक प्रिंट करा था, हमें 1 2 3 4 हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट करना था, 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर उसके बाद 8 6 7, तो यहाँ पर 1 2 3 4 8 6 7 फिर उसके बाद 6 5 4 जो कि दिख भी रहा है 6 5 4 और फिर उसके बाद 9 5 6 फिर 9 5 6 फिर 7 फिर 7 और फिर 8। तो ये कुछ प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है, बिल्कुल हमें वही प्रिंट करना था और हमारा प्रोग्राम भी वही प्रिंट कर रहा है। तो ये है हमारा प्रोग्राम, इसको इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं।
अगर कोई भी स्पाइरल वाला है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था प्रोग्राम। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।